स्टेट प्रेजिडेंट भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर नाल दी नाल कन्वीनर संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतक हाँ जिहड़ा देखो जिहड़ियां कॉन्फ्रेंसां दा महापंचायतां दा जिहड़ा दौर चलिया तो सानू एक मजबूरी दे विचों सारा कुछ करना पै रहा कि पिछले समय दे विच जिहड़ियां साडे नाल कमिटमेंट्स कीतियां सरकारां ने कि अंदोलन के दौरान वायदा कर लिया कि बाकी मंगा तुहाडियां पूरियां करांगे वो नहीं कीतियां। और अगली गल जो सब तो वड्डा वार अज साडे किसानां दे कीता कि आने वाले समय के जिवें आ फरवरी आ रहा है कणक तो इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर जा रही है सरकार। अगर सरकार कणक तो इंपोर्ट ड्यूटी खत्म करती है तो पूरे साडे देश के किसानों बहुत वड्डा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कणक का रेट 700-800 रुपये क्विंटल डिग सकता भारत के अंदर और ये हालातों के फिर समा लोड़ मंग करता समा कि असी उहदे कोई प्रोटेस्ट करिए प्रोटेस्ट की साडी तैयारी है। पिछले दिनों में SKM नॉन पोलीटिकल की मीटिंग हुई है मीटिंग के तय होया कि ऑल ओवर इंडिया असी भी वड्डिया किसान पंचायतां करांगे जिन्हां दे विचों आ साडी चौथी पंचायत हो रही है। इस तरह साडियां केरला कर्नाटका तमिलनाडु दियां अगे साडियां डेटा आई हुई ने बाकी सारिया स्टेटां राजस्थान की साडी डेट आ गई है बिहार की साडी डेट आ चुकी है वो असी सारिया करनिया ने वो सब का मतलब इको ही है कि असी फरवरी च एक बड़ा अंदोलन सरकार की इस बेरुखी के खिलाफ दिल्ली के छेड़न जा रहे हैं। महीनों बाद 2024 के चुनाव हो जा रहे हैं और साडे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि असी किसानों की जी इनकम है वो डबल करना चाहते हैं। देखो जिहड़ियां इह गल्लां ने सब गल्लां ने हवा च ने बहुत चिर तो लगभग 10 साल हो चले उन्होंने सत्ता से बैठिया लेकिन हर बार ये कहिंदे ने कदे तां कह दिता जी असी इन्हां दी इनकम डबल कर देंगे। सब तो पहला इन्होंने वायदा यह किया सीगा कि असी चोणां दे विच जे जित के आ जाने 14 दा जो चोण इन्हां दा चोण मैनीफेस्टो चक्को असी डॉक्टर स्वामीनाथन दी रिपोर्ट लागू करांगे समुची किसानी का समुचा कर्जा माफ़ करांगे गल्लां मन्नियां ने उदों अज तक उहदे ते कोई कार्रवाई नहीं हुई उत्थे दी उत्थे बंद पिया सारा काम सारा कारपोरेट लोगों की आमदन नूं वधाउण दे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं किसानों। क्या नाम क्या जी आपका? हरिकेश। हरिकेश जी आज जो महापंचायत हो रही है आप भी पहुंचे हो पंजाब में हरियाणा से तो क्या मुख्य मांगे हैं जिनको लेके आज महापंचायत की जाए? मुख्य मांगे तो किसान की मांगे तो बहुत है और इनमें से मेन तो ये है कि जो ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्जे किए जा रहे हैं वो नहीं होने चाहिए और जितनी भी ज़बरदस्ती किसान के साथ की जा रही है वो बहुत ज़्यादा मांगे हमारे अधिकार से ये बाहर जा रहे हैं। एक तो समर्थन मूल्य MSP नहीं मिलना वो भी हमारी मांग है। स्वामीनाथन रिपोर्ट जो जहाँ तक मतलब अभी तक कोई उसका विचार नहीं किया गया वो भी हमारी बकाया है और जो हमारे कुछ मुकदमे हरियाणा में भी बकाया है उनको वापस नहीं लिया गया जो कि उन्होंने कहा था कि हम वापस ले लेंगे। हमारी मांगें बहुत हैं हमारी मांगों के ऊपर तो बिजली का है वो भी हमारा आदर में लटका हुआ है ज़बरदस्ती थोपने वाली बातें होती हैं जैसे अब ये स्मार्ट मीटर है पिच वाले जो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं ये सरकार धक्काशाही कर रही है। किसानों के साथ कर्जा की जबर वसूली करना उनके घर में कुर्की लाना उनके बगैर कुछ नोटिस दे देना ये भी जबरदस्त। अभिमन्यु कुहाड़ हरियाणा से। तो आज जो महापंचायत की जा रही है पहले भी हुई है क्या मेन मुद्दे हैं सरकारों के? देखिए अभी दिल्ली में एक बड़े आंदोलन को लड़ने की तैयारी करी जा रही है उसी के तहत पूरे भारत में 22 बड़ी महापंचायत रखी गई हैं। कल एक बड़ी महापंचायत लुधियाना में हुई आज यहाँ पे मोगा में हो रही है और इसी तरीके से अन्य राज्यों में भी तमाम पंचायतों की तैयारी चल रही है। अभी मेन बड़े जो मुद्दे हैं वो है किसानों की कर्ज मुक्ति करी जाए स्वामीनाथन आयोग का C2+50% फार्मूला लागू किया जाए इसके अलावा MSP पे गारंटी कानून बनाया जाए जो मुक्त व्यापार समझौते सरकार धड़ल्ले से कर रही है उन पर रोक लगाई जाए। इन तमाम मांगों को लेकर एक बड़ा आंदोलन लड़ने की तैयारी की जा रही है उसी के तहत ये पंचायत